और जब जब विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, बार बार ये सरकार टाल मटोल करती रही कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण वर्मा जी आप डिक्टेट कर रहे पीछे और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता। शिवंगाई पटेल वॉकआउट कर गए। यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार पूरा जोर लगाए हुए है। यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर सपा नेता सवाल कर रहे हैं। इस क्रम में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सपा विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने सरकार से जातिगत जनगणना कराने और 75% आरक्षण देने पर विचार करने की बात कही। इसके जवाब में सरकार की तरफ से मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उन्हें जवाब दिया। जवाब से असंतुष्ट सपा विधायक बीच कार्यवाही में ही सदन से वॉकआउट कर गए। डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने कहा कि भारत की सच्चाई है जाति व्यवस्था। जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। आज भी समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। इसे लेकर देश में आंदोलन चल रहा है। तमाम पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं। मैंने पिछले सत्र में भी सवाल किया था कि जातीय जनगणना बिहार की तरह कराई जाए। मैंने पिछले भी सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया। वहीं दूसरी ओर शाही ने जवाब में कहा कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की संविधान में आस्था नहीं, जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन है। भाजपा नेता ने कहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना 69वें नंबर पर है। जो अनुसूचित 7 है उसके 69 में जनगणना का अधिकार भारत सरकार भारत के संसद को है और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता और उसके लिए भारत की संसद ने कानून भी बना रखा है। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और उसके भीतर प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार से जनगणना कराई जाएगी। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भाजपा पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना रही हैं। इस मुद्दे को 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा था कि जातीय जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। साल 2024 के चुनाव में भी जातीय जनगणना मुद्दा रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।